तो फाइनली क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही कि नहीं कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में पूरा नोट्स मिलेगा और जितने भी आपको टॉपिक कराऊंगा पूरा आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक, तो जितने भी अभी हमें आपको नोट्स के माध्यम से आपको कराएंगे पूरा एक बार रिविजन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 200, 300, 400, 500 लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। क्या है, 15, 16, 20 ऐसा लाइक करोगे तो मैं आपको क्या क्लास कराऊंगा। ठीक, तो चलिए पूरा प्रिंट देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरा नोट्स है, इसको पूरा लिखने में बहुत टाइम लगा है ना। यहाँ से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्वेश्चन फंसेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हौसल वाराणा का, जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न कंप्यूटर में पूछा जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर आ रही है? देखें, प्रिंटर, प्रिंटर का जो वर्गीकरण है उसको दो भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक, तो इसमें देखेंगे क्या क्या है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो बस आप तीनों चीज याद रखना, लेजर, इंक जेट और थर्मल। क्या है इसका फार्मूला भी याद रख लीजिएगा, लेजर, थर्मल और आपका इंक जेट, ये तीनों बस याद रखना, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी इतना सारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तीनों चीज़ याद रखना। ठीक, जैसे देखेंगे नॉन इम्पैक्टर में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉन इम्पैक्टर में देखेंगे जो नॉन इम्पैक्ट है लेजर, थर्मल और इंक जेट। मैंने आपको पहले बताया था कल के क्लासेस में, जो लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहा जाता है और थर्मल इंक जेट को कैरेक्टर। तो ये सारा टॉपिक मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा नोट्स के माध्यम से, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना ही है ना, लाइक करने में क्या जा रहा है, लाइक करो। और ये जो वीडियो है आपको 2 से 3 दिन तक दिखेगा, बाकी मैं इसको मेंबरशिप में डाल दूंगा। ठीक, और मेंबरशिप में आपको मालूम है मेंबरशिप में 599 रुपये रखा गया है हॉस्टल वाड़ाने का न्यूनतम फीस है। देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम, चैन और कैरेक्टर प्रिंटर, है ना, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछा जाएगा तो ध्यान से समझिएगा। जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें शामिल किया गया है और शामिल नहीं किया गया है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, संभवतः ठीक ऐसे एग्जाम पूछे जाएंगे। मल्टीमीडिया, इनपुट आउटपुट, लेजर, ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए रिकॉर्डेड है। ठीक, अब पीढ़ी से देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो है, 5 प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर, 5 प्रकार की पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी जो वैक्यूम ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक, इसको नोट करेंगे या फिर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर आ रही समझ में? चलिए देखेंगे। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ, नहीं इधर नहीं बन रहा है क्या, चलिए यहीं पर ले लाते हैं। चलो, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वैक्यूम ट्यूब 1942 से 1955 के आसपास। ठीक, दूसरा पीढ़ी है आपका ट्रांजिस्टर, क्या है, ट्रांजिस्टर 1956 से 1964। तृतीय पीढ़ी देखेंगे इंटीग्रेट सर्किट चिप, यानी कि देखेंगे इंटीग्रेट सर्किट चिप 1965 से 75 तक। ठीक, नोट करते चलेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखेंगे जो प्रथम पीढ़ी है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटीग्रेट सर्किट चिप, ओके, चौथा है देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर, चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर जो 1976 से 1989 तक। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंचम पीढ़ी है आपका इंटरनेट, मल्टीमीडिया। अब यहाँ पर देखिए मल्टीमीडिया क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, जो मल्टीमीडिया होता है वो आपका टेक्स, ठीक, क्या होता है, टेक्स हो गया, चलचित्र हो गया, इमेज है, वीडियो है, ये सब आपका मल्टीमीडिया है। ठीक, उसके बाद सॉफ्टवेयर, पैरालेल प्रोसेसिंग, ये आपका 1900 से लेकर अब तक जितने भी है ये आपका पांचवी पीढ़ी है, यानी कि अल्ट्रा लार्जेस्ट, वेरी लार्जेस्ट वाला, उसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब देखेंगे मेमोरी,
तो मेमोरी से भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। कितने क्वेश्चन? एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो मेमोरी से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी आप देखेंगे, ठीक, मेमोरी। उसके बाद मल्टीमीडिया, कंप्यूटर से देखेंगे, जो मीडिया, अंग्रेजी की मीडिया शब्द बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये नोट, यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट। मल्टीमीडिया का मतलब होता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, ऑडियो वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सभी आपके मल्टीमीडिया हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मल्टीमीडिया हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे नोट में मल्टीमीडिया के तत्व जो है, जीपीईजी को किस प्रकार जाना जाता है, और जीआईएफ को जीर भी, ऑडियो फाइल वर्ब या वोकुलर, एग्जाम में आपके पूछे जाए, पीएससी, व्यापम, जितने भी हो रही है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कौशल वाड़न हो, जो भी एग्जाम हो, कंप्यूटर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार से पूछा जाता है, ठीक। एमपीजी को एमपीजी, मिडी, माइंड, और साथ ही बिट मैप। तो बिट मैप देखेंगे, जो बीएमपी और टेक्स फाइल टीएक्सटी, ठीक। तो यहाँ सारे चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। अधिक से अधिक देखते हो, लेकिन वीडियो को लाइक अवश्य करो और रीजन अवश्य करो, 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखो, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बाद। यहाँ से हम आए थे मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, ठीक। तो प्राथमिक मेमोरी को अस्थायी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, इसको स्थायी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थायी। अस्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और स्थायी मेमोरी, ठीक। ये जो है आपका प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ये 3 प्रकार के आएंगे, अस्थायी, कैश और स्थायी, ठीक। तो देखेंगे अस्थायी में, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाकर पूछा गया है। अस्थायी को डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी भी कहा जाता है, इसको नोट करेंगे, ठीक, डायनेमिक और स्टैटिक। अब कैश तो कैसी है, स्थाई आप देखेंगे रोम, फ्री रोम, ई प्रोम, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना भी रोम है, ई रोम, प्री रोम, रोम, जो भी है ना, आपके स्थाई मेमोरी में आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टर, ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डायरेक्ट आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो एक बार नोट करते चलेंगे। मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को इस पर ला ले रहा हूँ। हाँ चलेंगे, इस प्रकार इधर हो गया काम, तो फिर अपना काम करते हैं। यहाँ पर स्थाई मेमोरी देखेंगे, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से देखेंगे चुंबकीय, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ से एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। चुंबकीय में फ्लॉपी, मैं पेंसिल चेंज कर रहा हूँ, फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क को 3 भागों में बांटा गया है, जीप, डिस्क, विंचेस्टर। ये आपके एग्जाम में यहाँ से अंदर से इतने डीप से पूछा गया है, इसलिए मैं नोट्स के साथ इसको आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रहा जी। हाँ, वीडियो को आप लोग जब तक लाइक नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। मैं अगर आप इस वीडियो में अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस नहीं आएगा, मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, मैं सीधा मेंबरशिप में ही डालूंगा, ठीक। तो हार्ड डिस्क को देखेंगे, डिस्क, विंचेस्टर। हाँ, पानी तो पी सकते हैं भाई, क्या दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं। जीप डिस्क, डिस्क पैड, डिसेक और विंचेस्टर डिस्क, ठीक। अब देखेंगे ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में जो है सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, सीडीआर, सीडीआर, ठीक, जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जाते हैं। जैसे आप मान लीजिएगा ऑप्टिकल डिस्क में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, सीडी आ गया, हर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीडी की भंडारण क्षमता, तो आप बताएंगे 700 MB, ठीक। डीवीडी का पूछा जाए 4.7 GB, ठीक। और ब्लू रे डिस्क का आप सभी को मालूम है, ब्लू रे डिस्क का और सीडीआर, ये सभी आप लोग को मालूम होगा, कमेंट करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक देखिएगा, कैश मेमोरी, मेमोरी और कार्ड चिप देखेंगे, जो मेमोरी है उसमें चिप, और कैश मेमोरी आपको पेन, पेन टाइप, ठीक। यहाँ पर क्लियर हुआ,
चलिए देखते हैं प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले द्वितीयक मेमोरी देख लेते हैं। यह डाटा सूचना की बड़ी मात्रा में संग्रहित करने में, यानी कि जो डाटा होता है वो सूचना होता है उसको बड़ी मात्रा में उसको क्या कहते हैं, संग्रह किया जाता है, एकत्र कर सकते हैं द्वितीयक में। इसका उपयोग प्रायः देखेंगे प्रयोग डाटा को बैकअप के लिए किया जाता है। बैकअप का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया उसमें हम बैकअप कर देना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह बैक क्लिक करते हैं स्टोर करते हैं ठीक। और द्वितीयक मेमोरी जो है आपका स्थायी मेमोरी है ठीक, वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी ये सब जानते हैं ना ठीक। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर डाटा क्या रहता है, बना रहता है ठीक है। जैसे अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है इसमें तो डाटा क्या रहेगा, इसमें बना रहेगा द्वितीयक मेमोरी। अब देखेंगे चले यहां पर प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में देखेंगे सीधा सीपीयू में संपर्क रखा जाता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, पहले आप लोग इतना पढ़ लो। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डायरेक्ट संपर्क में प्राथमिक मेमोरी में रखा जाता है, हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है ठीक है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भाग में बटे रहते हैं, उसको लोकेशन या सेल कहते हैं। सेल मतलब ये वाला ठीक, क्लियर है। अनेक छोटे छोटे भाग में, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा भाग में बटा रहता है, उसको लोकेशन या सेल कहा जाता है ठीक। सामान्यता जो है अस्थायी मेमोरी होता है, क्या होता है अस्थायी। और कंप्यूटर विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तो डाटा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे रजिस्टर है, कैश है, रॉम है, इसमें डाटा समाप्त हो जाएगा तो इसमें आपका जो सप्लाई है पूरा बंद हो जाएगा ठीक। क्लियर, समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वाला बार बार पूछा जाता है F1। तो F1 देखेंगे आपका ओपन एंड हेल्प, यानी कि सहायता करने वाला, ओपन एंड हेल्प विंडोज ठीक। हेल्प करना, सबसे पहले हेल्प करोगे। F2 एग्जाम पूछा जाता है ना अधिकतर, तो F2 देखेंगे रीनेम या विंडो एक्सप्लोरर, नाम नाम चेंज करते हैं, नाम बदलना, फाइल फोल्डर का नाम बदलना, पहला आपका हेल्प करना कंप्यूटर में हेल्प ठीक। ओपन द सर्च फंक्शन, तीसरा F3 ओपन द सर्च फंक्शन ठीक। F4 होता है अल्ट प्लस F4, यानी कि कंप्यूटर बंद किया जाता है। अल्ट प्लस F4 में कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ठीक। F5 स्लाइड शो, यानी कि रिफ्रेश बटन, और F6 कंट्रोल शिफ्ट, आप सभी को मालूम है कि एग्जाम में बार बार पूछता है F5 स्लाइड शो रिफ्रेश करना है ना। और F7 भी एग्जाम में बार बार पूछता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए। F8 एमएस वर्ल्ड टेक्स्ट सिलेक्ट करने में ओके। आप ये F9 F10 नहीं पूछता, फिर भी अगर आपको मालूम है तो इसके बारे में हम लोग कमेंट करके बताएंगे। नहीं पूछा जा रहा है करके मैं इसको कट कर दिया, पूछ सकते हैं तो आप लोग पढ़ लेना। F11 स्क्रीन व्यू करने में, जूम करने में, जूम आउट है ना। F12 ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है, सेव एस डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ तक मेरे नोट्स, यहीं तक मैं नोट्स किया था, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप में आपको मिलेगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक तो करना है, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो 200 300 400 500 देख रहे हैं, अब यहाँ पर 15-20 लाइक आ रहा है तो मज़ा नहीं आएगा ना, मैं वीडियो नहीं डालूंगा फिर ठीक ओके। चलिए प्रिंटर से देखें, प्रिंटर से जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे इसका कल हमने क्लासेस देखा, साधारण फुटार कहाँ पर प्रिंट होता है, तो ये सभी पृष्ठ पर, और सभी पृष्ठ को हर पृष्ठ भी कह सकते हैं ठीक। मल्टीमीडिया से भी करेंगे ठीक है, देखेंगे मल्टीमीडिया एग्जाम में पूछा जाता है।
यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सटेंशन नाम इमेज। इमेज को क्या क्या कहा जा सकता है? इमेज को जीपीईजी, जीआईएफ, बीएमपी, टीआईएफटी, पीएनजी, आरएडब्ल्यू, ईटीसी। ये आपका इमेज है। जीपीजी हो गया, जीआई, बीएमपी, टी, पीएनजी, आरएफ, और आपका वीडियो जो है MP4, AVG, MPEG, MPEG, MKV, QT, FLV, WMT, ये सब। ऑडियो में आपका आएगा MP3, MIDI, U, BWF, WF, WMA, ETC। ठीक, नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफिकल इंटरजर फॉर्मेट, इसमें 8 बिट का कलर इमेज प्रयोग होता है, और ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप GPEG, इसमें 24 बिट कलर इमेज होता है। ठीक, ये REF, रिसोर्स इंटेलिजेंस फाइल फॉर्मेट, PG, मोशन पिक्चर ग्रुप। ठीक, वीडियो फाइल MG, MPEG, मूवी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो ये था डेमो, आपका डेमो है। ठीक, आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं।